नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के बारे में, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन में जो आपको साथ शेयर करूंगा साथ आपने पहली बार कभी नहीं देखा होंगे। तो चलो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में, एक मोनोपोली इंजॉय करने वाला कंपनी के बारे में, जिसका नाम है कैम्स। देखिए कैम्स के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, जिस कंपनी के रिजल्ट क्वार्टरली रिजल्ट पिछले दिनों में आया था, और क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आया कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ, कुछ खराब परफॉर्मेंस भी नहीं हुआ। कंपनी का रिजल्ट एक फ्लैट परफॉर्मेंस में हुआ, इसका मतलब पिछले बार जो प्रॉफिट था इस बार उसी तरीके से प्रॉफिट हुआ, तो वो इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस है कंपनी का फ्यूचर का विजन क्या है। देखिए अगर कंपनी के चार्ट पैटर्न में दिखा दो, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर 55% का रिटर्न दिया, क्योंकि कंपनी का कोविड के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था, और उसको रिकवरी भी किया, और फिर से धीरे धीरे करके डाउनफॉल में जा रहा है। तो इसके पीछे कारण कौन सा है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट के कुछ डेटा आपको दिखाऊंगा। टोटल जो कंपनी का रेवेन्यूज आया ईयर ऑफ ईयर दिखा दूँ, तो आप देखेंगे क्यू फोर का 2022 का रिजल्ट एंड क्यू फोर का 2023 का रिजल्ट। अगर ये दोनों डेटा को मैं आपके सामने शेयर करूं तो पिछले साल के तुलना से छोटा मोटा यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ है रेवेन्यूज में। और यहाँ पे एक्सपेंस के बारे में बात करूं तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आप देखेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर में कंपनी का जो जो जिस तरीके से इनकम हुआ उसी तरीके से एक्सपेंस भी कंट्रोल में कंपनी रखे हुए है। तो कंपनी टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ इस बार हुआ अराउंड अराउंड 74 करोड़ के आसपास। तो इस पिछले बार कितना था, पिछले बार था करीबन 73 करोड़ के आसपास। तो मोटा मोटी बात करूं तो 1 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इसलिए देखिए अर्निंग पर शेयर में कुछ चेंजिंग ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां तक तो ठीक ठाक था। तो और डेटा क्या है, चलो मैं आपको ध्यान से वो डेटा दिखा देता हूँ, ध्यान से इस चीज को देखना। देखिए कंपनी के जो रेवेन्यूज है, रेवेन्यू जो है प्रॉफिट ऑफ लॉस क्वार्टर फोर का 2024 के हिसाब से, तो यहाँ पे देखिए रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ हुआ। अगर मैं कुछ मतलब क्वार्टर्स के डिटेल्स डेटा डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं दिसंबर 2022 का रिजल्ट में आप देखेंगे कि नॉन म्यूचुअल फंड कंपनी, म्यूचुअल फंड नॉन एसेट बेस्ड एंड म्यूचुअल फंड एसेट बेस्ड। देखिए कैम्स का मेन मेन बिजनेस क्या है, म्यूचुअल फंड आप जितने सारे कंपनीज के माध्यम से करते हैं उसका एक रेवेन्यूज कैम्स के माध्यम मतलब कैम्स को जाते हैं। मतलब मान के चलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड किया और म्यूचुअल फंड का सेटलमेंट आप कर रहे हैं तो उस सेटलमेंट का एक रेवेन्यूज कैम्स के पास जाएंगे। इसीलिए देखिए कंपनी का जो मेन रेवेन्यूज है वो आपको देखेंगे कि नॉन म्यूचुअल फंड्स, तो नॉन म्यूचुअल फंड्स में कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज देखने को मिलता है। तो कंपनी का रेवेन्यूज जो है वो यहाँ पे इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो चुके हैं। आप कहेंगे सर क्यों, देखिए 31 दिसंबर 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी के रेवेन्यूज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूं तो ईयर ऑफ ईयर बेसिस में थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है, और वो भी कुछ ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं है। इसी इसी के चलते स्टॉक के ऊपर प्रेशर बने हुए हैं, क्योंकि जितने म्यूचुअल फंड पहले होता था उतना म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस मतलब म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके कम हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में, उसके बाद खुद निवेश कर रहा है स्टॉक मार्केट में। म्यूचुअल फंड में बहुत कम लोग निवेश करना चाहते हैं अभी, क्योंकि देखिए इंडिविजुअली इन्वेस्टर बहुत बढ़ चुके हैं, उसीलिए म्यूचुअल फंड कंपनीज का थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे झेलना पड़ रहा है। तो जितना म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कम होगा उतना ही कैम्स का रेवेन्यूज में घाटा देखने को मिलेगा। तो बाकी डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए कुछ चेंजिंग देखने को मिला यहाँ पे म्यूचुअल फंड नॉन एसेट के बारे में, और म्यूचुअल फंड एसेट बेस में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा इंक्रीजिंग हुआ। ऑब्वियसली यहाँ पे इंक्रीजिंग अच्छा खासा देखने को मिला है। अभी क्वार्टर एंडेड के बाद जो रेवेन्यूज का ग्रोथ है वो रेवेन्यूज किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाखों में आपको डेटा दिखा दूँ तो यहाँ पे देखिए मैं चलो इसको करोड़ों में कन्वर्ट कर देता हूँ। 243 करोड़ जो था पिछले सालों के क्वार्टर में, और पिछले क्वार्टर में क्या था, पिछले क्वार्टर में था 243 करोड़, और इस बार कितना हुआ 249 करोड़। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे मैसिव जम देखने को मिला है। और रही बात कंपनीज के बाकी डिटेल्स के, वो भी आप देख सकते हैं। तो और एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको दिखा दूँ कंपनी का रेवेन्यूज, तो रेवेन्यूज तो आपने देख चुके हैं, और एक चीज मैं आपको जरूर यहाँ पे दिखाने वाला। देखिए ईयर एंडिंग के बाद जो रेवेन्यूज का जो ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर
पिछले सालों के तुलना से कंपनी का इस बार इंक्रीजिंग अच्छा खासा हुआ। ऑब्वियसली जो इंक्रीजिंग हुआ वो 37% के आसपास जम हुआ, और पिछले बार के तुलना से यहाँ पे रेवेन्यूज 6.8% का जम हुआ। देखिए रेवेन्यूज अच्छा यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यही सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद कंपनी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे एक पैरालल बेसिस में चला है, एक ही रेंज के अंदर चला है। ये थोड़ा सा वीकनेस है कंपनी के लिए। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में, मैं एक ही बात कहूंगा, इस कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कोविड के बाद किए थे, कोविड के बाद जो धमाका दिया था वो धमाका फिर से बाद में होने वाला है। अभी तक तो उतना खास परफॉर्मेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक स्लोडाउन के चलते हुए लोगों के हाथ में पैसा कम होने के कारण, ऑब्वियसली महंगाई बढ़ने के कारण लोग इन्वेस्टमेंट करना धीरे धीरे कम किए हैं। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपनी को भी थोड़ा सा घाटा देखने को मिला। और बहुत सारे ऐसे भी कहा जाता है कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट्स में जो जो इंडिविजुअली इन्वेस्टर है वो भी धीरे धीरे करके खुद का इन्वेस्टमेंट कम किया है। तो यही इसी टाइम का फायदा उठाना चाहिए। देखिए जब इकोनॉमिक स्लोडाउन होते हैं तब जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जब इकोनॉमी ठीक ठाक हो जाता है तब लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब अच्छा खासा फायदा मिलता है जो सस्ती दामों में शेयर को खरीदारी करते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा यहाँ पे एक ट्रेडिंग परफॉर्मेंस अच्छा खासा बनने देखने को मिला है, क्योंकि मैं आपको एक सपोर्ट जो ने आपके ड्रॉ करके दिया, इस सपोर्ट को ब्रेक किया और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो रिवर्सल किया, इस रिवर्सल ट्रेंड बता रहा है कि कंपनी फिर से 1769 तक आ सकते हैं, मतलब इस रेंज तक आ सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। आप फॉलो करिए, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है RBNL। देखिए RBNL के बारे में कि जितना भी बात करूं उतना ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक मंथ में कंपनी 90% तक रिटर्न दे दी। तो सोचिए एक मंथ में आपका 1 लाख रुपया मतलब 1,90,000 बन चुके हैं। तो इतना शानदार कंपनी क्या क्या आपको परफॉर्मेंस करके दिया। अगर 6 मंथ में देखूँ तो 180% के आसपास रिटर्न दिया, अगर 1 साल में 5 साल में देखूँ तो 600% के आसपास रिटर्न दिया। कंपनी धमाका कर दिया। मैं आपको जब इस रेंज में चल रहा था 2022 के आसपास, तब मैं आपको बार बार वीडियो बनाकर बार बार बोला था कि इस तरीके से कंपनी को पकड़ कर रखना, आज नहीं तो कल भागेगा। आज भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, IRFC जो एक फाइनेंस कंपनी है रेलवे का, उसके ऊपर भी आप फोकस रखिए, आज नहीं तो कल वो आपको एक अच्छा खासा रैली जरूर दिखा सकते हैं। देखिए इसके पीछे कारण भी मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट मिलना, वंदे भारत का 200 से भी ट्रेन ज़्यादा प्रोजेक्ट मिलना, और भी बहुत सारे टनल ब्रिज, साथ ही साथ हाई स्पीड ट्रेन ट्रेन का भी प्रोजेक्ट इसी कंपनी को मिला। तो इतने सारे प्रोजेक्ट मिलने के कारण स्टॉक के ऊपर तो एक बूम दिखने को मिलेगा ही। तो इसीलिए एक कंपनी के ऊपर एक न्यूज ही भी आया, जो न्यूज ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कंपनी का देखिए प्रोमोटर के पास कितना 78% होल्डिंग है, और सेबी के रूल्स के हिसाब से किसी भी कंपनी के ऊपर 75% के ऊपर मतलब होल्डिंग प्रोमोटर के पास नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज नहीं तो कल इस कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट क्या करने वाला है, वो FS ले आने वाला है, क्योंकि टोटली जो मतलब प्रोमोटर का होल्डिंग है वो गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होल्डिंग है। तो OFS जब लेके आएंगे तो 75% जो होल्डिंग होगा, बाकी जो परसेंटेज है उसको बेचना पड़ेगा, तब स्टॉक के ऊपर एक एडजस्टमेंट प्राइस आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए कोई भी अगर शेयर बेचा जाता है तो मतलब प्रोमोटर अगर बेचेंगे तो उसको डिस्काउंट में बेचना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा दामों में तो बेच नहीं पाएंगे, लोग ज़्यादा दामों में खरीदारी क्यों करेंगे, क्योंकि उसको डिस्काउंट में चाहिए। तो डिस्काउंट में जब बेचेंगे तो उसके हिसाब से प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसीलिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा झटका धीरे से लग सकते हैं, तो उसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं। अराउंड 3% के आसपास यहाँ पे OFS ले आ पाएंगे, क्योंकि 75% के नीचे प्रोमोटर का होल्डिंग हो जाएगा तो सेबी कुछ कह नहीं पाएंगे। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखना। रही बात चार्ट पैटर्न का, चार्ट पैटर्न के बारे में तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इस रेंज के ऊपर मैं एक ट्रेड खुद लिया था, मुझे प्रॉफिट पहले ही मिल गया तो मैं एग्जिट हो गया, तो नहीं तो और भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलता। तो मैं हमेशा रूल्स फॉलो करके चलता हूँ, मेरा टारगेट हमेशा 1:3 रेशियो का रहता है। अगर मुझे लगा बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाला है कंपनी, तब तो मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करता रहता हूँ। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूंगा, जिसका नाम आप देख सकते हैं वरेनियम क्लाउड, जिस कंपनी के बारे में बात करूँ, इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कंपनी में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। देखिए मोमेंटम जो है ना वो अपर साइड देखने को मिला, और जो ट्रेंड है वो और यहाँ पे पम्प किया गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे डम्प किया गया। मैं बार बार इसी तरीके से कंपनी से दूर रहने के लिए बोलता हूँ, फिर भी कुछ दोस्तों ने कमेंट किया सर इस कंपनी के ऊपर एक गुड न्यूज़ आया। गुड न्यूज़ क्या है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं आपको कॉर्पोरेट एक्शन में जाऊँ तो आपको दिखेगा
कंपनी क्या करने वाले, बोनस, और क्या करने वाले, स्प्लिट, एक साथ दो चीज देने वाला है। मतलब बोनस और स्प्लिट एक साथ देने वाला है कंपनी। यहाँ पे 1:2 रेशियो का स्प्लिट देने वाला है और 1:1 रेशियो का बोनस देने वाला है। तो एक अच्छा खासा फायदा यहाँ पे कंपनी आपको कराने वाला है, और 12 तारीख को आपको ये सारे डेटा मिल जाएगा। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर आप बोनस स्प्लिट के लिए निवेश करना चाहते हैं तो जरूर फोकस रखिए। अगर आप अच्छी कंपनी के ऊपर निवेश करके पैसा कमाना चाहते हैं तो उस हिसाब से काम करिए। अगर आप इस कंपनी के डिटेल्स वीडियो पाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको जरूर डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो ये था कुछ कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।